अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही थी, तो मुबीना मुझे ये बताओ कि 3000 तो चलो मुझे समझ में आता है, 3000 to 3 to 5 या 4, 7000 में ऐसा क्या होता है जो आप समझती हो कि 7 का बिकना चाहिए? देखो अमना, अगर हम किसी भी मल्टीनेशनल स्टोर पे रखा रहे ना, तो वहाँ पर हमें उनके भी यू नो परसेंटेज कुछ सर्टन देना होता है, ठीक ना? तो अगर हमारा जो भी परसेंटेज बनता है तो वो लगने के बाद फिर आपका हो ही जाता है, ठीक है? इतनी कॉस्ट, बिकॉज उन्होंने अपने ओवरहेड्स निकालने होते हैं ना, रैक के उन्होंने अपने ओवरहेड्स निकालने, हर चीज अपना जो सेल्स गर्ल उन्होंने रखा हुआ, जो कुछ भी कंप्लीट हेडेक के साथ थे। तो मैं आई थिंक अगर ये सब ध्यान में रखते हैं तब भी आपके 7 है, दे वर्थ इट, मतलब आप लेना आपके लिए वर्थ है कि आप अगर एक ड्रेस खरीद रहे हो जो कि 3 to, अगर चलो 3500 का, जो मैं आजकल जो पहन रही थी पिछले दिनों एलिमेंट से मैंने बहुत कपड़े लिए, तो 3 to 5 होता था या 5 हो गया, लेकिन देखो 3 to रेंज में आपको कुछ और नहीं मिलेगा, मतलब आपको स्टिचिंग अच्छी मिलेगी, स्टिचिंग मिल जाएगी मिलेगा, लेकिन जो 5000 है उससे ऊपर है उसमें आपको डिफरेंट किस्म की मतलब आपको ना एम्बेलिशमेंट्स मिल जाएंगे, ब्लॉक प्रिंटिंग मिल जाएगी, कोई मोटिव की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, कोई स्टोन से कुछ मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा ट्रेंड आपके जोड़े को ट्रेंडी लुक देगा। बिना आपने किया था लिनन के ऊपर थोड़ा सा भी जो कपड़ा आया था, जी जी, आपको नहीं लग रहा बहुत ज्यादा हो गया? अभी तक ना हमने एक वेदर के लिहाज से वो सूटेबल ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक ना, दैट वो वाला लिनन जो गर्मियों वाला एक कपड़ा आया हुआ जो मैंने बहुत पहना है, बहुत अच्छा पतला बिल्कुल लिनन नहीं है, आपने देखा होगा एग्जैक्टली, हाँ देखा वो वाला, बहुत ज्यादा डिजाइनर्स यूज कर रहे थे, तो अब मुझे लग रहा है थोड़ा कम हो, थोड़ा सा वो कम हो गया, बिकॉज अब थोड़ा सा वेदर यू नो इट्स लाइक दिस शिफॉन जो है ना, इस वो मैं आपसे कह रही थी कि जो है ना अब जो वेदर थोड़ा सा मतलब जितनी गर्मी होती है जुलाई जून के एंड के बाद में खाया थोड़ा सा वेदर चेंज होता है ना, तो अब फिर वो शिफॉन ईद आ रही है, तो ईद के कलेक्शन में आप कितना भी फॉर्मल कर लें डॉन आपको वो लुक नहीं देती। और मुबीना चिकन पे क्यों नहीं काम ज्यादा होता? मैं एक जमाने में देखती थी चिकन पे बहुत होता था, अब नहीं हो रहा। चिकन पे भी है बहुत ज्यादा, मैंने देखा है लोगों को, लेकिन वही बात है कि हमारे वेदर में जो ह्यूमिड फैक्टर बढ़ता जा रहा है ना, वो चिकन भी मेरे ख्याल से वो पहनने में कंफर्ट लेवल नहीं है, बॉडी कंफर्ट लेवल नहीं लगता वो चिकन के साथ, चिकन के साथ भी। अच्छा, और चिकन के साथ फिर ये भी प्रॉब्लम होती है अगर मोटा चिकन हो तो आपको स्लिप पहनी है तो देयर इज नो पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, शिफॉन्स तो चलो फिर चल जाते हैं, हमारी जो अम्मियां हैं या दादियां नानियां वो तो शिफॉन्स की तरफ ही ज्यादा जा रही होती है, लॉन की तरफ इतनी नहीं होती हैं। नहीं, लेकिन अभी भी अगर आप नाइट टाइम का आपका कोई इवेंट होता है तो उसमें फिर आप शिफॉन्स ही पहनती हो, बिकॉज वो आपको एक फ्लेयरी लुक एंड एक स्टाइल देता है। एक कॉल है हमारे साथ, नईम बात करें। अस्सलाम वालेकुम नईम, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, चले। अच्छा मुझे भी बताएं कि ईद कलेक्शन के लिए क्या सोचा है? ईद के लिए अभी डिजाइनर्स का बड़ा प्रॉब्लम है, समर्स विंटर्स ईद स्प्रिंग, तो ईद के लिए बस ये कि मैंने शिफॉन्स पे बनाना है एंड डेफिनेटली कलर्स हमारे मतलब वही वाइब्रेंट एंड थोड़े से सटल कलर्स भी मेरे होते हैं, लेकिन उनमें मतलब पहले जमाने समर्स में बहुत ऑफ वाइट्स चलते थे, पेल कलर्स, पेस्टल कलर्स, अब मैंने उन कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया, यू नो ऑरेंज है, पिंक्स हैं, रेड्स हैं, पर्पल्स हैं, मस्टर्ड, आई एम कमिंग अप विद दीस सॉर्ट ऑफ कलर्स। अच्छा ठीक, तो लाइक मेरा ईद कलेक्शन भी मोस्टली शिफॉन पिन कलर्स पे बेस होगा। बच्चों के लिए अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया? बच्चों की बच्चों का स्पेशली बेबी गर्ल का लोग मेरे पीछे बहुत है, ठीक है ना, मेरी बेटी होते ही पीपल आर ऑन माई फीलिंग, माशाल्लाह सब वो चलने लगी है, 1 year की हो जाएगी, तो आई एम प्लानिंग की आई एम गोइंग टू मेक, मतलब बच्चों की यू ईट क्लोथ फॉर हर, बहुत ज्यादा उन लोग बच्चे बेचारे यूँ होते हैं। अच्छा, हम ज्यादा रेडीमेड और बच्चों के लिए भी रेडीमेड ही खरीदे जाते हैं, लोग मेरे काफी पीछे हैं कि आपकी बेटी के कब कलेक्शन बनना शुरू हो रहा है ताकि हम ऑर्डर करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली, अपनी बेटी से ही स्टार्ट होगा और बेटी से ही आपको फिर होगा। तो मुझे बताओ कि और मेंस वेयर भी अभी तक कोई सोचा? मेंस वेयर मैंने किया था व्हेन आई स्टार्टेड बैक इन 97 कोलाज में, जब मैं कपड़े करती कोलाज आपने मुझे लास्ट एग्जैक्टली, तो मेरा मेंस वेयर बहुत अच्छा चला था, बट एक बार जब बहुत ब्रेक आ गया फिर मैंने दोबारा स्टार्ट नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताओ मुबीना कि एक डिजाइनर के लिए अगर कोई अपकमिंग है या जो सीखना चाह रहे हैं तो किन चीजों को आप माइंड में रखें? देखिए, एक तो मैं समझती हूँ कि आपका डिजाइनिंग बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? और दूसरा ये कि वट एवर आप कर रहे हैं, मैं कहती हूँ इट्स गुड यू कम अप, चाहे 10,000 डिजाइनर्स हैं, इफ यू वांट टू डू समथिंग, कोई टैलेंट आप करें, बट कम अप विथ योर ओन आइडियाज, फॉर गॉड सेक्स स्टॉप कॉपिंग अदर्स, फॉर गॉड सेक्स दूसरों को छापना छोड़ दें और दूसरों को कॉपी करना छोड़ दें।
Thank you so much, Mubeena. Pleasure welcome. To have you on my show and wish you all the best. It was lovely being on your show. Thank you so much. आज हमने anti-aging पे बात की, Mubeena से बात की, designing का भी काफी चीजें आपको पता चली और Dr. Khalid Mustafa हमारे साथ थे, उन्होंने anti-aging और skin freshness के लिए बात की. तो आपको I hope ये show अच्छा लगा होगा. अपनी feedback हमें दे सकते हैं छूलो आसमान @news1tv.tv पे और messages on www.facebook.com/छूलोआसमान इस पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. अपना बहुत ख्याल रखें. कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ मैं आऊंगी. खुदा हाफिज़.